हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो टर्बो मशीन का यूनिट वन हम पढ़ रहे थे। पार्ट फाइव में हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक टू टर्बो मशीन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक टू टर्बो मशीन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो टर्बो मशीन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये हो क्या रहा है यहाँ पे, हम लोग टर्बो मशीन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का यूज कर हम देख रहे हैं क्या ये काम कर रहा है, और काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है। सेम टू सेम यहाँ हम भी देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक है उसका टर्बो मशीन में क्या काम है, फॉर्मूला कैसे काम करता है, मशीन कैसे काम करती है। ठीक है, मींस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का यूज करके हम टर्बो मशीन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये काम था यहाँ। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक टू टर्बो मशीन में हम स्टार्ट करते हैं। इन टर्बाइन द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द फ्लूइड एंड ब्लेड कैन अकर्स बाय डायनेमिक एक्शन। ये तो हम जानते हैं। ठीक है, किसी भी टर्बाइन में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, फ्लूइड का ब्लेड से कॉन्टेक्ट में आना, और इन डायनेमिक एक्शन ड्यू टू दिस एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम फ्लूइड टू द टर्बाइन। ओके, नाउ H1 एंड H2 इज द स्टैटिक एंथैल्पी, जैसे कि हमने देखा था। H01 और H02 इज द स्टैगनेशन एंथैल्पी। स्टैगनेशन एंथैल्पी और स्टैगनेशन पॉइंट मींस इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, दैट इज माय स्टैगनेशन पॉइंट। ओके, नाउ इफ मशीन एब्जॉर्ब पावर व्हिच टाइप ऑफ मशीन, दैट इज पंप। दिस मींस H02 इज ऑलवेज ग्रेटर देन H01। इन एब्जॉर्ब पावर में एंथैल्पी एट एग्जिस्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एंथैल्पी एट इनलेट। ओके, और इन इफ मशीन जनरेट पावर मींस दैट इज टर्बाइन मशीन, इन दिस H1 विल बी ग्रेटर देन एंथैल्पी एट H1 इनलेट एट मोर एज कंपेयर टू एंथैल्पी एट 2। ओके, नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक leads to the definition of entropy and is defined as del theta max is equal to TdS. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एक्चुअल जो काम था वो एंट्रोपी का चेंज बताता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ एंट्रोपी चेंज इज कॉज बाई हीट ट्रांसफर, मास फ्लो एंड इरिवर्सिबिलिटीज। एंट्रोपी कैसे बनता है हमारा, एंट्रोपी में चेंजेस क्यों होते हैं इन टर्बो मशीन, ड्यू टू हीट ट्रांसफर होने के कारण, मास फ्लो जो हमारा मास फ्लो हो रहा है उसके कारण, और ई रिवर्सिबिलिटीज प्रॉपर्टीज के कारण। ओके, नाउ द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज एज जीरो फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी चेंज विल बी जीरो। दस वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस सच एज टर्बाइन डिलीवर मोर वर्क, एंड वर्क consuming device such as pump and compressor consume less work when they operate reversibly. Okay, now next one. Now the differential form of the conservation of energy equation for a closed stationary system or a fixed mass ke liye kya hota hai hamara, del theta max minus del w max is equal to du. ye kya hai, conservation of energy ka formula tha. theek hai, hum hi jante hain del theta max minus del w max, W for work done and theta naught its Q for heat exchange is equal to du, U for internal energy or internal heat. Okay, now where theta del max is equal to TdS, ये तो हमें पता है entropy, and theta W max is equal to PdV work done, therefore we put TdS and PdV at the place of del theta max and del W max, not theta its Q. Okay, sorry. So at del Q max we put TdS, so TdS minus PdV is equal to du. okay, or TdS is equal to du plus PdV, likh sakte hai, this is my equation number 2. okay, now this equation is known as fixed, it's not actually this equation, equation number 2. okay, this equation is known as the first TdS equation. जो हमारा ये इक्वेशन बना इक्वेशन 2, ये क्या है हमारा TdS का इक्वेशन बना, तो ये फर्स्ट TdS इक्वेशन है हमारा, और जिसे हम गिब्स इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड TdS इक्वेशन इज ऑप्टेन। अगर आपको सेकेंड TdS इक्वेशन बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेटिंग du जहाँ पे है उसको एलिमिनेट करना है फ्रॉम फर्स्ट TdS इक्वेशन से,
बाई यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी. एंथैल्पी का डेफिनेशन यूज करते हुए हमें सेकेंड फर्स्ट TDS इक्वेशन से DU को एलिमिनेट करना है. ठीक है, तो हमारा एंथैल्पी का इक्वेशन क्या होता है, H दैट इज एंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV होता है. नाउ इसको डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP हो जाएगा. नाउ DU को हमने एक तरफ किया विच इज इक्वल टू DH, और ये दोनों टर्म हमारा इधर माइनस में आ गया. PdV प्लस VdP इज इक्वल टू, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. ओके, वन थिंग रॉन्ग हियर, यहाँ पे भी माइनस होगा. ठीक है, एक्चुअली जब इसको आप इधर ट्रांसफर करोगे तो DU इज इक्वल टू DH माइनस PdV और माइनस VdP, ये माइनस होगा. ओके, माइनस VdP. ठीक है, पुट इक्वेशन 3 इन 2. अब इक्वेशन 3 जो हमारा ये बना हुआ है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है. ठीक है, देयरफॉर हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, TDS इज इक्वल टू, हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट किया, इक्वेशन 2 में पुट किया तो DU के जगह पे हमने ये पुट किया, तो ये DH हमारा ऐसे रहेगा, बाकी माइनस PdV और प्लस PdV कैंसिल, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, बचा क्या, माइनस VdP. देयरफॉर TDS इज इक्वल टू DH माइनस VdP, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4. ओके, नाउ अब यहां से DH को आप एक तरफ कर लो, तो DH इज इक्वल टू VdP प्लस TDS फॉर स्टीम टर्बाइन के लिए, ये हमारा इक्वेशन बनता है. ठीक है, DH इज इक्वल टू VdP प्लस TDS, आप याद रखना. देखो ये जो हमारा था, वन मिनट, दिस इक्वेशन इज व्हाट, दिस इक्वेशन इज माय फर्स्ट TDS इक्वेशन. ठीक है, एंड दिस इज माय सेकेंड TDS इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड TDS इक्वेशन, दोनों ध्यान देना, हियर माइनस. ओके, इतना ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, अब जो हमारा सेकेंड TDS इक्वेशन जो बना है उसका एक्चुअल यूज क्या है, उस इक्वेशन का स्टडी ऑफ टर्बाइन, मीन्स टर्बाइन की स्टडी में जो हमारा सेकेंड TDS इक्वेशन बना है बहुत काम आता है. मीन्स अगर आप टर्बाइन की स्टडी कर रहे हो तो आपको सेकेंड TDS इक्वेशन का ही यूज पड़ेगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे वही लिखा है, द सेकेंड TDS इक्वेशन इज यूज टू स्टडी ऑफ टर्बो मशीन इन टर्म्स ऑफ स्टैगनेशन प्रॉपर्टीज. स्टैगनेशन प्रॉपर्टीज को रीड करने के लिए हम पढ़ते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ स्टैगनेशन प्रॉपर्टी टी बिकम्स चेंज टू टी नॉट एंड डी एस नॉट इज इक्वल टू डी एच नॉट माइनस वी नॉट डी पी नॉट. स्टैगनेशन पॉइंट पे सब हम सब में क्या किए, हमने नॉट लगा दिया, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5. ओके, नाउ नोट कह रहे हैं, एक तीन हमारा कुछ नोट है यहाँ पे. नोट वन है हमारा, इन स्टीम टर्बाइन और पावर जनरेटिंग मशीन इनिशियल एंथैल्पी एंड प्रेशर ऑफ द इनकमिंग स्टीम इज लो एज कम्पेयर टू आउटगोइंग और एग्जिस्ट स्टीम. ठीक है, इन टर्बाइन और पावर जनरेटिंग मशीन में जो इनलेट एंथैल्पी और प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू आउटगोइंग, जब वो बाहर निकलता है तब. Therefore, क्योंकि DH इज इक्वल टू H2 माइनस H1 होता है और DP इज इक्वल टू P2 माइनस PN होता है, अगर हमारा एंथैल्पी जो H1 है वो कम है, therefore माइनस DH, और दिस इज माइनस DP, therefore W इज इक्वल टू वर्क डन इज चेंज बिकम DH प्लस T नॉट DS नॉट. ठीक है, ये इक्वेशन कैसे हमने लिखा, ये वर्क डन था तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो DP माइनस में आ रहा, तो माइनस यहाँ पुट करेंगे तो ये प्लस VdP हो जाएगा, तो ये प्लस W हो जाएगा, तो W को हमने एक तरफ किया बाकी इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, तो DH नेगेटिव में था तो पॉजिटिव में हो गया, तो ये इक्वेशन बना. नाउ इन केस ऑफ पंप और कंप्रेसर द इनिशियल एंथैल्पी एंड प्रेशर ऑफ द इनकमिंग स्ट्रीम इज हाई एज कम्पेयर टू आउटगोइंग और एग्जिस्टिंग, देयरफॉर DH इज इक्वल टू प्लस DH एंड DP इज इक्वल टू प्लस DP, पुट हियर, तो इधर हियर W विल बी नेगेटिव. हम देखे पंप में W नेगेटिव एंड इन टर्बाइन में W इज पॉजिटिव. ओके, एक्चुअली मैं 10 मिनट का ही वीडियो बना सकता हूँ फिलहाल, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बताया यहाँ पे, यहाँ कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस इतना ही था कि हमारा टर्बाइन है तो प्लस था वर्क डन और पंप है तो नेगेटिव वर्क डन. कैसे आया, इससे सेकेंड TDS इक्वेशन यूज करते हुए हमने इसे बताया ऐसे. ठीक है, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. थैंक यू.